सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून के साथ इस ब्लॉग में आप सभी मित्रों का स्वागत है, मैं अभिनंदन। सो आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आपका भाई भी मस्त है और स्वस्थ है। सो गाइस, आज मेरे साथ है सुनील रावत जी। तो सुनील रावत जी, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। हेलो गाइस, मेरे सभी मित्रों को सहस्र नमस्कार। तो नमस्कार हाथ जोड़ के भी हो सकता है, तो सुनील भाई ने नमस्कार किया। तो थैंक यू ऑल माई डियर रिस्पेक्टेड पीपुल्स, आप सब लोग बहुत सपोर्ट देते हैं, इसीलिए हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और काफ़ी इज्जत देते हैं मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं। सो थैंकफुल, आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो। सो गाइज, आज के ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स में आज आपको दिखाते हैं अपने गांव का स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल दिखाते हैं। तो स्विमिंग पूल पहाड़ों में किस तरह का होता है आप समझ सकते हैं, गदरों में बनता है, जो हम पत्थरों से पानी को रोकते हैं, तो वही हमारा पहाड़ों का स्विमिंग पूल हुआ। तो चल दो आज हमारे पहाड़ी स्विमिंग पूल में, यानी गदरों में नहाने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो को भी सपोर्ट देना और प्यार देना। तो चलिए हमारे रास्ता हम जाते हैं। सो गाइज, हम गांव से थोड़ा इधर आए हुए हैं, लोहानी गदरे बोलते इधर उधर उस साइड को। तो ये सुनील भाई, तो भाई चलो ये रास्ता है हमारा और हम जा रहे हैं, आपको पता ही है हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता आप पूरा देख सकते हैं। तो आज आपको हम गदरों वाला स्विमिंग पूल दिखाने जा रहे हैं। तो गाइज, हमारे पहाड़ों का जो स्विमिंग पूल है इस गदरे में है और ये रास्ता है। ये सबसे आगे से प्रकाश बिष्ट जी, और ये हरेंद्र रावत जी, यंग केस बिष्ट जी, और ये सुनील रावत जी, और मैं खुद मनोज बिष्ट, हम सभी लोग जा रहे हैं। सो गाइस, चलिए आप स्विमिंग पूल की ओर। देख सकते हैं हम किस तरह के भूड़ के अंदर से जा रहे हैं, यानी घनघोर, यहाँ भी जंगल है। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए स्विमिंग पूल में। तो देखते हैं किस तरह का पूल है यहाँ पर। मैंने सुना था बच्चों के मुँह से कि इधर हमने तालाब बनाया हुआ है। तो गाइज, आपको बताया था ये हमारे गांव का स्विमिंग पूल, यानी गदरों का स्विमिंग पूल। तो ये बच्चे पहले से आए हुए हैं यहाँ पर नहाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्विमिंग पूल को दिखाते हैं आपको। तो गाइज, आप देख सकते हैं पानी को किस तरह से पत्थरों की मदद से रोका गया है यहाँ पर, और ये पूरा, और ऊपर से उनियान भी डाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं तालाब, देखते हैं कितना गहरा है, अब जब हम खुद जाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये रावत जी जाते हुए। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. अभी मैं बैठा हूँ अपने गांव के स्विमिंग पूल के काफी पास में, यानी मैं भी नहाने को तैयार हूँ, और भाई लोग सभी बैठे हुए हैं, सभी लोग नहा रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं अपने स्विमिंग पूल में। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. देखिए हमारे कैमरा में नहा रहे हैं, और उसके साथ साथ हर्रू बाबा भोलेनाथ का भक्त भी चले गए। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। ये देखिए, हाँ ये गाय लेने जाने वाले हैं। सो गाइस, आज अपने गदरे का नहाने का कुछ अलग ही अंदाज, और आज करीब करीब हम 8 या 9 साल बाद इस तालाब में नहा रहे हैं, इस गदरे में बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस, आप सब भी नहाने आए। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow.
तालाब में नहा रहे हैं और काफी इंजॉय भी फील हो रहा है हमें। और ये भाई बंद लोग सभी लोग नहा रहे हैं इधर, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लड़के पूरे विलेजर पीपल्स इंजॉय लेने आए हुए हैं नदी में, क्योंकि हम बचपन में यहाँ पर काफी नहाते थे और अब इस लॉकडाउन का समय ऐसा रहा कि हमें फिर इस गदरे और इस गांव को हर चीज में जोड़ दिया है। तो सुनील भाई कितना आनंद ले रहे हो आप, और पानी कैसा हो रहा है, ठंडा गर्म? बहुत ठंडा, बहुत ही चिल्ड पानी है। आप फोन को हिलते हुए समझ सकते हैं कि मुझे कितनी ठंड हो रही है। और फोन तो गाइस देख सकते हैं क्या गजब का तैराकबाज। कार्यक्रम पूरा हो चुका है, यानी काफी ठंड से यहाँ पर इधर पैर उल्टे पीछे घूमता हुआ। तो एंजॉय काफी रहा आज का, तो वीडियो को लाइक करें। नहाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और कपड़े हमने पहन लिए हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं घर की ओर। तो आप गदरे देख सकते हैं और हमारा स्विमिंग पूल आपने देख ही लिया है, ये पत्थरों से इसे बनाया गया है, यानी पानी रोका गया है। तो आप चलते हैं हम घर की ओर। तो आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग गाइस? अब हम ये देख सकते हैं हमारा घर का रास्ता, और ये जा चुके हैं दोस्त लोग घर की ओर इन घने जंगलों के बीच से। यहाँ पर धारा में हम आए हुए हैं, तो कोई खेत में यहाँ पर गांववासी लोग थक चुके हैं, तो उन्होंने पानी मंगवाया है, तो हम इस बोतल में पानी भरकर उन्हें देंगे। यानी ये समाज सेवा वाला काम रहेगा हमारा। तो सुनील भाई से भरिए, और लोग खेतों में थक चुके हैं और पानी प्यास से तड़प चुके हैं, तो हम उन्हें पानी लेके जाएंगे इस बोतल में। और सुनील भाई एक अच्छे समाज का भला करने वाले युवक हैं, तो पानी भरकर ये उन्हें ले जाएंगे। तो ढक्कन कहाँ है इसका? ढक्कन ढुकन भी ले जाओ। ढक्कन ढुकन नहीं है। अभी हम इस बोतल को भर के ले जा रहे हैं घर की ओर, जहाँ खेत में लोग काम कर रहे हैं। चल सुनील भाई। तो इसका कोई ढक्कन नहीं है, इसलिए हमें इसे इस तरह से पकड़ के ले जाना होगा। तो सुनील भाई आपने पानी तो पी लिया ना धारा में? तो भाई इसको पकड़िए, तो हम चलते हैं। तो गाइज आपको कैसी लगी ब्लॉग्स और वीडियो? भाई पी मत यार, वहाँ उनको भी देना है। तो गाइज आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और ब्लॉग्स? अगर बेकार भी लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोस हमारे पहाड़ से लेके आते हैं, और जैसे हमारी लाइफ स्टाइल आनंद लगती है हमारे पहाड़ के स्विमिंग पूल। सो गाइस, तो आपको ब्लॉग और वीडियो कैसी लगी? जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू गाइस कीप सपोर्टिंग के लिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।